आदाब, आप देख रहे हैं श्रीनिधि न्यूज और मैं हूं आपके साथ तरण। बात करेंगे महाशिवरात्रि के मौके को लेकर। तो इस मौके पर अगर देखें तो हम मौजूद हैं शंकराचार्य मंदिर में और यहां पर जो है श्रद्धालुओं की कसीर तादाद हमें देखने को मिल रही है और बिरूनी ममालिक के साथ साथ मकामी श्रद्धालु भी यहां का रुख कर रहे हैं ताकि महाशिवरात्रि का ये पावन अवसर उनके लिए खुशियों खुशहाली लेकर आए। यहाँ के मकामी श्रद्धालुओं के साथ साथ जो यहाँ पे हाजिरी देने के आए हैं उनसे जाने की कोशिश करेंगे कि वो आज के दिन पर ऐसा महसूस कर रहे हैं और क्या अमनो आश्ती की किस तरह उन्होंने दुआएं की है। आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से हैं? हम दिल्ली से हैं। तो आज यहाँ शंकराचार्य मंदिर में महाशिवरात्रि का पावन त्योहार आप मना रहे हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जो मौसम है और उसके साथ यहाँ का जो ऑरा है वो देखने लायक है और आज हम लोग को साक्षात दर्शन हुए हैं। जो हुआ है ना हम लोग का बहुत ही आई कांट एक्सप्लेन इन द वर्ड, बहुत ही निर्मम था, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा लगा दोनों को। हम लोग का आज पहली बार यहाँ आए हैं कश्मीर, कश्मीर आने के बाद शंकराचार्य हमारा पहला ही दिन है। एक्चुअली आज हमारी एनिवर्सरी है तो हम एनिवर्सरी के दिन दर्शन करना आना चाहते थे। आपको एनिवर्सरी मुबारक। थैंक यू सो मच। तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए और महाशिवरात्रि का त्यौहार जो है मेरे लिए बहुत खास रहता है क्योंकि भोले बाबा सबकी सुनते हैं तो उनके दर्शन तो साल में एक बार तो होने चाहिए। तो क्या मैसेज देता है महाशिवरात्रि का त्यौहार? महाशिवरात्रि का त्यौहार बहुत ही पावन त्यौहार है और आज के दिन ही बोला जाता है, कहा जाता है, कई सारे लोक कथाओं में बोला गया है कि आज ही के दिन माता पार्वती और शिव जी दोनों साथ हुए थे। और जो आज का दिन है वो इतना पावन है, इतना पाक है, यहाँ की भाषा में अगर मैं बोलूँ कि उसको मैं बयान नहीं कर सकता। तो आज के दिन हमारा भी है, वो भी है, तो बहुत रिलेट कर सकता हूँ। और मैं आम आवाम को यही बोलना चाहूँगा कि बस आप लोग अपने दिल में प्यार बनाए रखें, भगवान सबका है, सबका मालिक एक है। That's all. Thank you. मेरा मैसेज ये है कि भोले बाबा की भक्ति जो है भोले बाबा से करोगे तो हर मनोकामना पूरी होती है। मैंने आजमाया तो वो कुछ देखते नहीं कि आपने व्रत रखा है या आपने बहुत तपस्या की है, बस मन से तपस्या करो, मन से भावना से करो तो सब संपूर्ण होता है। आज के इस महाशिवरात्रि के त्यौहार को लेकर आप क्या कहना? हेलो, तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि सनातन धर्म का सबसे बड़ा महापर्व है। शिवरात्रि के दिन ही इस संसार के अंदर सनातन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना हुई थी और शिवरात्रि के दिन लोग चार पहर की पूजा करते हैं। तो हमें कश्मीर में जहाँ पे जो अंचहत्तर की सेवा देते हुए 18 वर्ष हो गए, इन 18 वर्षों में हर कश्मीर का जवान, हर कश्मीर का आदमी, हर कश्मीर का बड़ा छोटा सब कहते हैं शर्मा जी हमें भी शिवरात्रि पे कुछ सेवा बताओ, हम आपकी क्या सहयोग करें। सबसे बड़ी बात कश्मीर की। और हमारे सनातन धर्म के अनुसार उसके अंदर शिवरात्रि में जो पूजा की जाती है पूरे विश्व शांति के लिए जाती है, किसी एक मजहब या एक धर्म के लिए नहीं की जाती है। आज जो पूजा थी सुबह 3:30 बजे रुद्राभिषेक हुआ, उसके बाद हवन और जग रखा गया था। हवन के बाद जो अभी भूकंप में सीरिया और तुर्की में जो डेथें हुई, अभी मीडिया 40-42 मेरे हिसाब से 50,000 से ऊपर क्रॉस हो जाए, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है, भगवान लोग तो अपने कर्मों से भटक गए हैं भगवान, परंतु इतनी बड़ी सजा मत देना। गलती चार बुक करते हैं गम्याजा हजारों को भुगतना पड़ता है। मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, सनातन धर्म के एक अंश होने के नाते सीधे रास्ते पे चलो, गलत काम मत करो। ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है तो उसकी आवाज़ नहीं होती, इसलिए हम सब लोगों को हर पल ऊपर वाले को याद रखना चाहिए जिसने हमें इस संसार के अंदर एक परमिट दे के भेजा है। हमारी बॉडी का परमिट है, रजिस्ट्री तो है नहीं, और हमारी बॉडी की जो पहचान है उसकी परमात्मा के दी हुई आत्मा से है। जब तक आत्मा हमारे शरीर में, हमारा एक नाम है, हमारा पहचान है,
परमात्मा हमारी आत्मा को जब वापिस ले जाता तो सब हम कहते हैं डेड बॉडी इंग्लिश में, तो बाकी तो हिंदी में कहते हैं शब। इस शरीर के अंदर रहते हुए सब लोगों को, हर मजहब के लोगों के की जो हर समय ऊपर वाले को याद करो, नहीं जो हमारे गुनाह बढ़ रहे हैं उसकी सजा बहुत बड़ी होगी। तो कश्मीर में ये त्यौहार जो है मनाया जा रहा है, किस तरह, क्या लोकल्स की भी पार्टिसिपेशन इस त्यौहार में है, लोकल्स की भी शायद? तो आपको अभी बताया मैं, हर कश्मीरी हर लोग कहते हैं शर्मा जी हमें सेवा बताओ, शिवरात्रि पे हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। हर लोग इससे सहयोग देते हैं। शिवरात्रि के अंदर अभी जैसे गैस सिलेंडर है सब कश्मीर के लोगों ने दिए हमें, पानी जितनी व्यवस्था जितना भी काम कश्मीर के लोग ही हमारे साथ काम करने वाले। इधर हर सनातन के अंश का आदमी हमारे साथ इधर योगदान देने खड़ा हुआ है, इसलिए मैं हर आदमी का धन्यवाद करता हूँ। हर हर महादेव, बम बम बोला। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए? मेरा नाम सुरजीत है, मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट असर का रहने वाला हूँ। जी, तो आज महाशिवरात्रि का त्यौहार यहाँ पे मनाया जा रहा है, तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, यहाँ का अरेंजमेंट देख के और यहाँ का लोगों का आपस में भाईचारा देख के बहुत बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे बार बार मन करता था कि आने का, लेकिन आज शिवरात्रि के मौके पर एक बहुत भोलेनाथ ने बहुत बढ़िया मौका दिया हमें दर्शन करने का, तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी और बाकी यहाँ के लोगों का भी। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया यहाँ पे दर्शन करके। तो महाशिवरात्रि का त्यौहार जो है क्या मैसेज देता है? ये जो है ये भोलेनाथ जी का त्यौहार मना, ये हर साल मनाया जाता है, इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है और एक दूसरे के साथ आपस में जो मोहब्बत है, भाईचारा है, उसको बढ़ाए रखना है। ये शिव और पार्वती का ब्याह मतलब लाइक दैट, शिवरात्रि, शिवरात्रि की तो जब हुआ ये भोलेनाथ और ये माता पार्वती का, ये उस दिन इनका विवाह हुआ था, ये शुद्ध महादेव में हुआ था। हालांकि हमारे साथ में जहाँ मैं रहता हूँ उधर से 4-5 किलोमीटर दूर शुद्ध महादेव है, तो शिवरात्रि को ही शादी हुई, तो उस कारण से भी ये त्यौहार जो मनाया जाता है। आप कहाँ से आए? हम गुड़गांव से। क्या नाम है? योगेश। तो आज यहाँ महाशिवरात्रि का पावन त्यौहार मनाया जा रहा है, इस वाले से क्या कहें, क्या कैसा लग रहा है कश्मीर? बस कश्मीर में आए और हमने सोचा कि आज शिवरात्रि है, तो कहीं ना कहीं हमें पता चला कि यहाँ पे शंकराचार्य मंदिर है, तो बस हम यहाँ पे आ गए। आपको क्या लगता है कि ये महाशिवरात्रि का त्यौहार जो है, जहाँ तक मेरी मालूमात है उनके मुताबिक ये शिव और पार्वती का इस दिन जो है विवाह हुआ? जी जी, हमने, मैं शुरू से ही भोले शंकर को हम मानते आए हैं और महाशिवरात्रि पे हम फास्ट रखते हैं और यहाँ पे थे तो नहीं रख पाए, लेकिन हमने कहा कि चलो हम मत्था तो टेकने जा सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, हमने गुलमर्ग जाना था, कोई बात नहीं, हम पहले मंदिर जाएंगे फिर हम आगे गुलमर्ग जाएंगे, तो हमने पहले यहाँ आए और अब हम आगे गुलमर्ग जाएंगे। तो इस दिन की मैसेज क्या रहती है आवाम? बस ये सब देखो, आपके सामने इतनी लंबी लाइंस लगी हैं, सब भक्त भगवान शंकर को, आज भगवान शंकर की शादी का दिन है, तो सब अपनी मस्ती में झूमते हुए सब भगवान को मत्था टेकने ऊपर जा रहे हैं और सब खुशी से सब लोग इस पर्व को मनाते हैं और झूमते हैं, मस्ती डांस ये वो सब चलता है इस दिन। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोज है। कहाँ से आए? मैं एमपी ग्वालियर से आया हूँ। तो आज यहाँ पे कश्मीर में शंकराचार्य मंदिर में प्रेजेंट है आप, तो कैसा लग रहा है महाशिवरात्रि? यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें, यहाँ पर बहुत ही, ये शंकराचार्य जी का मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, हमें आकर बहुत ही दिल को शांति मिली है और बहुत ही श्रद्धा भावना से हम इतनी दूर से आए हैं, हमें जय बम बम भोले। तो क्या कहना चाहिए, कैसी दुआ आपने की अमन आशुति की? हम यहाँ के अमन और शांति के लिए, पूरे इस वैली के लिए दुआ करते हैं और अमन शांति चाहते हैं हम। तो ये शिवरात्रि का त्यौहार क्या मैसेज है? ये शिवरात्रि का त्यौहार आपस में भाईचारा और ये महादेव के लिए ये मनाया जाता है और आपस में भाईचारे का त्यौहार है। नाज़रीन, जहाँ हमने यहाँ के श्रद्धालुओं से बात की, उनके साथ बात करने के बाद ये बात पता चलती है कि आज ही के दिन शिवजी और माता पार्वती का जो है ब्याह हो चुका था, और उसी के हवाले से अगर देखें तो श्रद्धालुओं की एक लंबी चौड़ी लाइन यहाँ पे देखने को हमें मिल रही है, जो कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ का हर साल रुख करते हैं। आज की रिपोर्ट में इतना ही, विद कैमरा पर्सन बिलाल भट्ट, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।